सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपके इमोशनल कन्फ्यूज्ड या लो कॉन्फिडेंस, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले बताऊंगा, देन आफ्टर आपके मैरिज करियर, इनसे भी रिलेटेड बातें करते हुए ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आपके एक्सट्रीम इमोशनल नेचर होने के पीछे का रीज़न ये है कि हृदय रेखा आपकी सीधे यहाँ से निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड हो गई है। जब गुरु से हृदय रेखा कनेक्टेड होती है तो आप जैसे लोगों की भावनात्मक लगाव बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी चीज़ से, और यही है कि भाव में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, यानी इमोशंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। रीज़न इसके पीछे ये भी है कि दिल से कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का या प्रैक्टिकल जो मेंटेलिटी होती है या फिर काम निकालने वाली प्रवृत्ति होती है या चतुर्चाला किस्म की प्रवृत्ति होती है, इसका जो एक प्रकार का दायरा है आप जैसे लोगों में बहुत कम पाया जाता है। यही रीज़न है दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, किसी को अपना बहुत जल्दी अपना बहुत सखा मान लेना या किसी के बातों में भी जल्दी आ जाना, साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से बहुत जल्दी लगा लेना, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं तब जब हृदय रेखा सीधे गुरु से इस प्रकार से कनेक्टेड हो। यही रीज़न है कि आप जैसे लोगों को आमतौर पर ईमानदार ऑनेस्ट नेचर के यहाँ पर कहते हैं, जो कि किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे सकते। तो ये जो नेचर है आपका, ये कभी बदलने वाला नहीं है, नेचर सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। एक बात ज़रूर ये है कि यहाँ से एक शाखा निकल के एकदम स्ट्रेट जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल भी रहेगा। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर बेशक है, लेकिन जब यहाँ से हृदय रेखा से कोई शाखा सीधे जाती है तो ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला है, कार्य के प्रति एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी आपकी। तो ये बात ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप वर्कोहोलिक अपने लाइफ में रहेंगे उतना ही अच्छे से इमोशंस फीलिंग्स पे डील कर पाएंगे। रीज़न ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा सोचना विचारना या भावुकता में आना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल माहौल में रहेंगे या फिर वर्क करते रहेंगे तो ये चीज़ें जो है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप कन्फ्यूज्ड बहुत हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मल्टीपल्स आपकी फेट लाइन है। दूसरा, जो आपकी सूर्य रेखा है वो भी मल्टीपल्स लाइन में चल रही है। जब मल्टीपल फेट लाइन और मल्टीपल सूर्य रेखा होती है तो हर फेट लाइन चाहती है कि उसका जो दबदबा है व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा हो। जैसे फेट लाइन निकली है आपके यहाँ पर शुक्र के क्षेत्र से और यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही है, तो ये एक फेट लाइन का होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह बताता है कि निरंतर लाइफ में धन बना रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक राहु के क्षेत्र से निकल गई है, एक माइंड लाइन के ऊपर से यहाँ निकल रही है, लाइफ लाइन से भी मल्टीपल टाइम्स में निकल रही है। मरकरी लाइन भी एक प्रकार की फेट लाइन है, फिर यहाँ से गुरु पर भी जो लाइन गई है वो भी यहाँ पर फेट लाइन ही है। तो इस कारण से ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है, जिसके कारण होता यह है कि आपका दिमाग हर क्षेत्र में भागने लगेगा। आप चाहेंगे कि हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमा लें और क्या से क्या नहीं कर लें एक ही समय पर, जिसके कारण कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और यही रीज़न है कि किसी एक काम के ऊपर फोकस कम लगने लगता है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हो ना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आप जिस काम में हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ फलदायक है। रीज़न ये है कि आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और जब माइंड लाइन स्ट्रेट होता है तो डीप हार्ड और लॉन्ग स्टडीज़ को बताता है। आप जैसे लोगों में इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है कि मेंटली लेवल पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो आपके लायक जो काम है वही यही है कि बैठे बिठाए जितना हो सके दिमाग का सदुपयोग कर कार्य करें। तो इस क्षेत्र को तो कभी भी नहीं छोड़ें, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में समय समय पर आएगी, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको होते रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन कन्फ्यूज़न का यही है कि मल्टीपल सन की लाइन है तो इस कारण से कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है और आपका जो बुध पर्वत है बहुत अच्छे साइन के साथ है। यहाँ ये जो मल्टीपल्स लाइन होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर को बताता है। आप जैसे लोगों में बहुत ही मीठी बोली होती है या कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि होती जिसके कारण कोई भी इजिली आपके ओर अट्रैक्ट हो जाए, या फिर आप जो है लोगों को बांधे रखें, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल अच्छा इसके कारण होना चाहिए जिसके कारण आप अपने बात किसी से भी मनवा सकते हैं। लेकिन आपको कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसका फिंगर भी मेन रीज़न नहीं, उसका रीज़न है आपका बुध
पर्वत, बुध पर्वत जब इस प्रकार से दबा हुआ होता है, यहाँ पर मुझे दबा हुआ ये दिख रहा है, तो जब इस प्रकार से दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मन के अंदर बात को दबाने लगता है। यही रीज़न है कि आपके माइंड में यही पहले आता है कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, समझ भी पाएगा या नहीं समझेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो कहीं ना कहीं बातें वो कहीं ना कहीं मन में ही रह जाती है। तो बुध के रेमेडीज़ आप करेंगे, सूर्य के रेमेडीज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्लियरेंस भी लाइफ में आएगी, और ऐसे कम्युनिकेशन या वार्तालाप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी क्लियर होगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें पहले ही, कि आपका जो यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र है, चंद्र पर एक स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, ये बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि ये बताता है कि बर्थ प्लेस से दूर यानी फॉरेन लैंड में आपकी खुद की भूमि 101% यहाँ पर या फिर प्रॉपर्टी रहने वाली है, और आपका सेटलमेंट भी फॉरेन में होने के चांसेस इस कारण से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल आपको क्रॉस के साइन भी देखने को यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्रॉस का साइन मन से दुखी कर देता है, डर भय चिंता यानी एनजाइटी के प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है। तो चंद्र के रेमेडीज करना आवश्यक है, क्योंकि आपका जो डर है वो मन से है, दिमाग से नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, कि जैसे ही कोई थॉट आपके दिलो दिमाग में आया उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना या एक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ये आपके नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जो कि गुड यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। इसका नाता कम्युनिकेशन से बिल्कुल है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं होगा तो लीडरशिप कैसे होगी। लेकिन आपका जो एक प्रकार का अवधाव होने वाला है आने वाले टाइम में, अब जो पोजीशन आपको मिलेगी बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होने वाली है आपकी, तो जब रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होगी तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका धीरे धीरे करके डेवलप या सुधरने भी लग जाएगा। क्योंकि जब गुरु की फिंगर लॉन्ग होती है या गुरु माउंट डेवलप होता है, तो ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में हो उसके टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने वाले होते हैं। तो इसीलिए आपके हाथ में भी वो सारे योग हैं कि आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है, या आपके अंदर टीचिंग या लीडरशिप की क्वालिटीज़ बेस्ट दिख रही है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एबिलिटी आपका ऑटोमेटिकली डेवलप कुछ टाइम बाद होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो थर्ड फेलेंजेस हैं सारे फिंगर के, वो डेवलप अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल भी ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बाकी देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा रिलेशन में अनबन मतभेद या थोड़ी दूरी को भी बताती है। तो रिलेशन में क्यों इस प्रकार के ट्रबल आते हैं आपको, कि कुछ टाइम बाद दूरी बढ़ जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसके पीछे अभी हम रीज़न आगे फाइंड करेंगे। बाकी थंब पर आते तो थंब यहाँ पर आपका शॉर्ट जरूर है लेकिन सशक्त है, इसका मतलब हटी किस्म का नेचर है, जिद्दीपन बहुत रहने वाला है, और अपने जिद पर आप बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, यानी किसी से दबने वाले भी आप नहीं रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अपने आप में डेवलप अच्छी है, विल पावर ठीक रहने वाला है, और यहाँ पे जो आपका यव का चिन्ह है वो ओपन है, तो इस कारण से किसी चीज़ पर फोकस प्रॉपरली हो नहीं पाता। धार्मिक भी रहने की आपकी इच्छा बहुत मनोकामना है, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के कारण, जीवन शैली के कारण, धर्म कर्म के कार्यों में भी इतना समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप धार्मिक रहेंगे या एटलीस्ट मेडिटेशन भी अगर करेंगे तो सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन पावर यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा हो जाने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर पाम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश है जो अच्छे हार्डवर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। बाहरी मंगल ज़्यादा डेवलप है तो किसी बात का रिएक्ट आप बहुत जल्दी और बहुत क्विकली करते हैं, और चंद्र का क्षेत्र थोड़ा दब गया है तो इस कारण से कहीं ना कहीं मन ज़्यादा सकारात्मक नहीं रह पाता है। क्रिएटिविटी में थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है तो लग्जरीज व सुख सुविधा में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है यहाँ पे। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु जो है आपके मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ के बारे में ही बताता है। तो गुरु माउंट देखा जाए तो डेवलप यहाँ पर अच्छा है, तो इसके कारण आपके अंदर आत्मसम्मान अच्छा रहने वाला रहेगा। और जहाँ तक रही मैरिड लाइफ की बात, तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई यहाँ पर इशू एवं ट्रबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन इस प्रकार की आड़ी जा रही है ये दयालुपन को व्यक्त करता है। तो इस कारण से किसी का दुख दर्द आप देख नहीं पाएंगे और एक प्रकार का एडजस्टिंग नेचर यहाँ पर आपका फिर अच्छा बिल्ड हो जाने वाला रहेगा। तो इस कारण से नॉर्मली जब इस प्रकार की रेखाएँ किसी के हाथ में होती हैं तो चाहे मैरिड लाइफ में किसी भी टाइप का ट्रबल या प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप जैसे लोग उसको
अच्छे से हैंडल ये कंटिन्यू कर लेने वाले रहते हैं। तो ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखें तो एक प्रोग्रेस लाइन भी गई हुई है, तो एम्बिशियस नेचर है। बस जो आपका स्पाउस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा उसको करते रहना होगा, आपको समझते रहना होगा, या फिर उस सामने वाले पर्सन को आपको प्रोत्साहित करते रहना होगा, तब जा कर के आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत इश्यूज़ इस कारण से हो सकता है, अगर वो अंडरस्टैंड ना कर पाए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में थोड़ी बहुत भी बढ़ी तो, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पहले मायने और अपना एम्बिशन सबसे मेन मायने रखता है। यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन पर भी आते हैं, तो यूनियन लाइन यहाँ पर दो है, तो ये दो शादी को नहीं बताता, लेकिन यस ये दो बार रिलेशनशिप में आने की योगों को कन्फर्म करता है कि दो से तीन बार आने के योग है, क्योंकि हल्की सी एक रेखा और यहाँ दिख रही है। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की भी आकृति जब बनती है, तो ये फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है। तो जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हो, और शुक्र माउंट का भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि मैरिड लाइफ में शुक्र का किरदार गुरु से थोड़ा सा आजकल के टाइम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अब सेटिस्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर जब यह आड़ी रेखा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन में ये थोड़ी सी कमी को भी व्यक्त करता है। यहाँ की आड़ी रेखा बेसिकली अनावश्यक चिंताओं को सबसे पहले बताती है, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग हुई या ओवर थिंकिंग हुई या जज किसी को कर पाने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण यहाँ पर इस प्रकार के मल्टीपल्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है, जिसका सीधा सीधा असर किस पे दिखेगा, आपके रिलेशनशिप में। जितने भी रिलेशन आपके बनेंगे कुछ टाइम के बाद, कुछ ना कुछ उसमें जो है एक प्रकार से उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरियाँ इस कारण से बनी जाती है। और उसका सबसे मेन रीज़न अगर यहाँ मुझे दिख रहा है, तो वो आपका ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग निकल के आ रहा है। तो इसके लिए भी चंद्र को सबसे पहले थोड़ा सही करना ज़रूरी है, ताकि मन सकारात्मक हो, और जैसे ही मन सकारात्मक होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होने लग जाती हैं। इसके बाद आते हैं आपके शनि के क्षेत्र में। गुरु माउंट कुल मिला करके ठीक है, आपका पॉजिटिव है, और शनि पर मल्टीपल्स लाइन होने के कारण मल्टीटास्किंग नेचर को ये बताता है, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को सबसे पहले क्रिएट कर रहा है। आपका जो भाग्य है कुल मिलाकर के पॉजिटिव है, धन से रिलेटेड आपको कभी भी कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ तक बात करें तो आपका सेल्फ मेड लक लाइन भी है, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा या मेहनत किया जाएगा उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलने वाला है, यानी आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रंग आपको आपके लाइफ में या रिजल्ट देने वाले रहेंगे। और लाइफ में जो अर्निंग है या प्रोग्रेस है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 2021 के एज से ही स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, और आने वाले टाइम में जो 30s का एज रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपका लाइफ का एकदम पीक पॉइंट रहेगा, बहुत ऊपर स्तर तक आप पहुँचेंगे अप्रोक्सीमेटली 28 से 32-33 के बीच में। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो सैटर्न माउंट पॉजिटिव है, तो ज़्यादा इसमें ट्रबल ऐसी कुछ नहीं है, मेहनत अच्छी आप अपने लाइफ में कर लेंगे। यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि एक प्रकार से जब यहाँ पर हृदय रेखा भाग्य रेखा को थोड़ा सा कट करती है, तो चिंता थोड़ी सी लाइफ में बेफिजूल की बढ़ती है, और वो भी इमोशंस फीलिंग्स के बहकाव में आकर के होता है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य पर आते हैं तो सूर्य माउंट डेवलप आपका अच्छा है, तो इस कारण से एक प्रकार से अथॉरिटी या पावर आपके हाथ में बहुत जल्दी आने वाली रहेगी, कहीं ना कहीं से आएगी ही। और यहाँ भाग्य रेखा से ही आपकी सूर्य रेखा प्रारंभ हुई है, तो बहुत हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी तक या अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट आपको आपके एक प्रकार से सराउंडिंग में सोसाइटी में मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो फिश सिंबल भी बना हुआ है जो बुध और सूर्य पर्वत के मध्य में है, जिसके कारण ये अच्छे प्रॉपर्टी को सबसे पहले इंडिकेट करता है। आपके बर्थ के बाद फैमिली में कुछ ना कुछ ग्रोथ सक्सेस या पिता के कंडीशन में सुधार जरूर आया है, और शादी के बाद भी ससुराल पक्ष भी मजबूत आपका होने वाला इस कारण से रहेगा। आने वाले टाइम में ओवरऑल देखें तो जो प्रॉब्लम या दिक्कत आपको दे सकती है वो है कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की रेखा इतनी मजबूत हो रही है कि आपकी सन लाइन को भी काटने लग रही है। यहाँ पे जो यहाँ पर फिश सिंबल के द्वारा कटी है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसके अलावा जितनी भी ये लाइन्स हैं ये हल्के सी काट के गई है, तो इस कारण से जो मेहनत करते हो उसका फिर एक प्रकार से इतना ज़्यादा रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं निकलता है। तो बेसिकली आप कन्फ्यूज़न से जैसे ही दूर हटेंगे तो ये मल्टीपल्स लाइन भी ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगी। हस्तरेखा में सबसे अच्छी बात यही होती है कि व्यक्ति की प्रेजेंट कंडीशन बहुत ईजिली प्रेडिक्टेबल होती है, कि अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें करना सही रहेगा जिससे आगे फ्यूचर ब्राइट हो सके, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न को दूर करना है। बाकी मरकरी माउंट पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा माउंट दवा ज़रूर है, लेकिन इसके रेमेडी करिए तो ये भी चीज़ ठीक हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। हृदय रेखा ओवरलैपिंग के साथ
बार बार टूट करके भी चल रहा है, नीचे की ओर भी मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस कारण से आपकी इमोशंस फीलिंग्स में बार बार ये चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम इससे डेवलप होता है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपके चंद्र के द्वारा ठीक हो जाएगा, जैसे ही मन आपका स्टेबल सकारात्मक हो जाएगा वैसे ही। बाकी विष्णु सिंबल जैसी आकृति बनी हुई है, तो स्टार्टिंग लाइफ टफ थी, लेकिन अब आने वाले टाइम में प्रोग्रेस मिलेगा, क्योंकि जब इस प्रकार का विष्णु सिंबल होता है तो कोई भी काम के शुरुआत में तकलीफें ज़्यादा आती हैं, लेकिन जैसा टाइम बीतता है वो काम इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। किसी को अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, समझा किसी को अच्छा सकते हैं। और माइंड लाइन पर आपके आएँ तो माइंड लाइन यहाँ पर मंगल से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत इमीडिएटली एक्शन या रिस्पॉन्स लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग ऑन पेपर रहेगा, एक्शन में थोड़ा कम आ पाएगा, इसलिए ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से अगेन मैं दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूँ बच करके रहना है, जल्दबाजी से बच करके रहना है। एग्रेशन भी कहीं ना कहीं या इरिटेशन जल्दी आ जाता है, उससे भी बच करके रहना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ आपका जो माइंड लाइन है इस प्रकार से कंटिन्यूस चल के बाहरी मंगल तक गया है, यानी मेमोरी बहुत शार्प है, क्लेवर मेंटेलिटी आगे चल करके आपकी डेवलप होने वाली रहेगी, और स्कोप आपका स्टडीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, लॉजिकल नेचर रहेगा, और अपने बुद्धिमत्ता के कारण आप ग्रोथ और हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचने वाले भी रहेंगे। इसके अलावा लाइफ लाइन पर आएँ तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग में जिगजॉग साइन के साथ में एक प्रकार से छोटा सा आइलैंड भी है, जो कि कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड या ट्रबल स्टार्टिंग लाइफ में इंडिकेट करता ही है। लेकिन आगे चल करके आपकी लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट बेशक नहीं हुई है, लेकिन जो सहयोगी रेखा है इसके द्वारा कंडीशन आपकी बहुत बेस्ट हो जाने वाली रहेगी अप्रोक्सीमेटली 25-26 के एज के बाद से। और जहाँ तक रही फॉरेन ट्रैवलिंग की बात, तो यस, विदेश जाने के योग आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टे भी आप करेंगे, सेटलमेंट के चांसेस कम है, क्योंकि अंततः आपकी जो जीवन रेखा है वो शुक्र पर भी आ गई है और भाग्य रेखा भी प्रोमिनेंट तरीके से गुरु तक नहीं गई है। तो इस कारण से कुछ टाइम ज़रूर फॉरेन में स्टे करेंगे, बाकी एंड में अपने होम टाउन पे ही आने वाले रहेंगे, और बहुत ही विद इन टू टू फोर ईयर आप फॉरेन विजिट करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, मल्टीपल्स लाइन यहाँ से आ रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड टेंशन रह सकता है। बाकी बाहरी मंगल भी कुल मिलाकर के डेवलप अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखा एक प्रकार से बेफिजूल के मामलों में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाने के योगों को बताता है। ऐसे देखा जाए तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों को बताते, लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगा नहीं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसमें। इसके अलावा यहाँ दो मेजर राहु लाइन्स हैं यहाँ पर, जो ये एक गई हुई है और एक ये जा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 34 से 36-37 के बीच में, और दूसरा वाला अप्रोक्सीमेटली यहाँ आपको 38-40 के एज में भी एक प्रकार से ट्रबल को इंडिकेट कर रहा है। उस टाइम के लिए इतना ज़्यादा अभी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम आने में समय है बहुत ज़्यादा, और ये तब तक ये लाइन्स उस टाइम तक क्लियर भी हो जाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट को सुधारना है। प्रेजेंट सुधरेगा, फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, और सहयोगी रेखा भी साथ में चल रही है, तो इसलिए टेंशन लेने की ऐसी कोई भी बात यहाँ नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखें तो शुक्र माउंट की जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि शुक्र माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जो अच्छे रहन सहन खान पान रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सबसे पहले बताता है कि लाइफ में किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि शुक्र आपका पॉजिटिव यहाँ बैठा है। लेकिन शुक्र पर जो साइन है वो उसको नेगेटिव कर रहा है। यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो उसमें एक ये भी आता है कि यहाँ जो सीधी खड़ी रेखा है ये लाइफ में अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले इंडिकेट करती है, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन कमी आ कहाँ रही है, मल्टीपल्स लाइन यहाँ से निकल के आपके लाइफ लाइन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस कारण से रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं इशूज़ या फैमिली को लेकर के ट्रबल महसूस हो सकता है, तो इसके लिए शुक्र के भी रेमेडीज़ करना आवश्यक है, और थोड़ा सा नेचर में भी सुधार करना या उस पर काम करना आवश्यक है, तब जाकर के ऑटोमेटिकली इस कॉम्बिनेशन के द्वारा यहाँ की भी आड़ी रेखा आप कुछ टाइम में देखेंगे कि हटने लग रही है। उम्र आपकी अच्छी है, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, और यहाँ पर डिवाइडेड लाइफ लाइन आपको ट्रैवलिंग का भी योग अच्छा डेवलप कर रही है, क्योंकि केतु माउंट पर जब इस प्रकार से एक देखा जाए यहाँ पे, तो फिश सिंबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट फिश सिंबल नहीं है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो फिश सिंबल ही लगेगा आपको, लेकिन ये बेसिकली डिवाइडेड लाइन है, जिसके कारण ट्रैवलिंग के योग आपके हाथ में अच्छे देखने को मिल रहे हैं।
फिर यहाँ पर जो ये लाइन इस प्रकार से निकली है, ये मरकरी लाइन है, जिसके कारण व्यापार में आने के योग या इंडिपेंडेंट वर्क करना या हेल्थ में सुधार होने के योगों को डेवलप करता है। और इसका मेन काम है धन को रोकना हाथ में, तो धन जीवन में अच्छा आएगा भी। अभी के टाइम पर थोड़ा रोकना मुश्किल है, लेकिन इन फ्यूचर सेविंग्स भी आपकी अच्छी होने वाली है। बाकी बात करें चंद्र की, तो चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा शुभ है, और यहाँ पर आपने एक प्रकार की आकृति के द्वारा बताया भी था कि फिश सिंबल जैसी फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रही है। तो यस, फिश सिंबल क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर फिश नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग भी यही होता है जो स्टार है, ये भी फिश सिंबल जैसी ही जो पावर है या इंडिकेशंस देती है। फिश सिंबल और ज़्यादा उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है, जबकि स्टार उस ग्रह की महत्वता को बताता है कि इसका प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा रहने वाला है। तो जो चंद्र है वो माँ होता है, माँ का जो सुख मिलता है व्यक्ति को वो डिनोट करता है, आपकी हैप्पीनेस को सबसे पहले ये बताता है। और ये आपके हस्तरेखा के अनुसार देखा जाए तो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का कारक होता है, तो इन सब के माध्यम से आपको लाभ मिलने के योग अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ और सक्सेस भी देखने को मिल रही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।